नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स.com की प्रस्तुति ज्ञानी बाबा। दोस्तों, श्रावण के ये दो मास चल रहे हैं। इस बार मल मास एक होने की वजह से अधिक मास हो गया है, तो दो महीने का सावन हो गया है। और सावन के इन दिनों में हर साल कांवड़ यात्रा होती है। लोग गंगा जी के किनारे, गंगा जी के पौड़ी से, हर की पौड़ी से जल ले जाते हैं और अपने अपने निकटवर्ती स्थानों में या अपने घर गांव के पास शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और उसमें कृतकृत्य मानते हैं अपने जीवन को। लंबी यात्रा होती है, मेहनत भरी होती है, कठिन पथ होता है, पैदल चलना होता है। अगर हम दिल्ली से ही कहें तो 250-250 किलोमीटर की एक तरफ की यात्रा आसानी से बताते हैं, और इसे अगर आना जाना मिला लिया जाए तो 450 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी होती है। और जत्थे के जत्थे कांवड़ लाते ले जाते दिखते हैं। ये एक बड़ा हैरानी का विषय है। अभी एक दो दिन पहले स्वामी रामदेव को एक टीवी चैनल पर ये कहते मैंने सुना कि इस बार उन्होंने पाया कि 8 से 9 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार में आए हैं। बड़ा हर्ष का विषय हुआ, थोड़ी उत्सुकता भी हुई कि इतनी बड़ी संख्या में कांवड़िए आ रहे हैं तो क्या वास्तव में भारत में धर्म के क्षेत्र में जन जागरण हो गया है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जन जागरण हो गया है, लोगों में इतनी धार्मिक और आध्यात्मिक जागृति आ गई है कि वो इस तरह के उपलक्ष्यों में लग रहे हैं। खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है, लेकिन साथ ही हमें और भी चीज़ें इसकी देखनी पड़ेंगी। खाली ये एक धार्मिक कृत्य बनकर रह गया तो उसका क्या लाभ? आप देखेंगे इससे सड़कों पर ट्रैफिक बाधित होता है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में जमुना का खादर एरिया जो है वो पानी की चपेट में बाढ़ जैसा एरिया बन गया है। तो क्या करें कि हम धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को करते हुए साथ में एक सेवा का दायित्व भी उठा लें? अगर इतनी बड़ी संख्या में कांवड़िए आ जा रहे हैं हरिद्वार से, तो क्या ही अच्छा हो कि वो साथ में इस धार्मिक कृत्य के साथ में कोई सामाजिक कार्य भी करते चलें। बड़े बड़े धर्मगुरुओं को, धार्मिक नेताओं को ये दायित्व लेना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को प्रेरित करें कि इस धार्मिक आध्यात्मिक कृत्य के साथ वो कोई ना कोई सामाजिक सेवा या सामाजिक दायित्व को भी रास्ते में करते चलें, ताकि एक पंथ दो काज होते रहें, उनका अपना भी कल्याण होता रहे और समाज का भी कल्याण में वो योगदान दें। मसलन आज देश में पेड़ों की कटाई बहुत हो रही है। अगर एक कांवड़िया एक पेड़ भी रास्ते में लगाता चले, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग रास्तों पर, तो क्या एक ग्रीन बेल्ट तैयार नहीं हो जाएगी हर साल? ये सोचने का विषय है। आज हम कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं, उसकी वजह से बाढ़, पानी, वाटर लॉगिंग वगैरह जो हो रही है, समस्याएं हो रही हैं, उससे एक निजात पाने का रास्ता ये नहीं हो जाएगा? जंगलों की अंधाधुंध कटाई होने से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और बारिश, सर्दी, गर्मी, मौसम के जो पैटर्न्स हैं वो बदल रहे हैं। क्या उनकी रक्षा का दायित्व तो हमारा नहीं है? क्या हमने पेड़ों को काट कर उनका अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल नहीं किया? तो क्या ये हमारा दायित्व तो नहीं है कि हम पेड़ों की पुनर्स्थापित करें पेड़ों को? इससे अच्छा अवसर और मैन पावर अवेलेबल होना बड़ा मुश्किल है। कांवड़िया जा रहा है धार्मिक कृत्य करने, प्रकृति को एक उपहार और देता चले तो ये भी एक दान का काम, धर्म का काम होगा और इससे समाज का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा। जहाँ तक जमुना के खादर पर है, बहुत से लोग इस बात के लिए भी धर्म को ही, धार्मिक क्रियाओं को ही, या जो वहाँ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, जैसे
एक मंदिर वहाँ बना, खेल गांव बना, और फिर नेताओं की वोट लिप्सा के कारण जो अवैध कब्जे कराए गए उनको जिम्मेदार ठहरा रहा है। ऐसे में फिर अगर धर्मगुरु धार्मिक नेता आगे आकर जमुना की सफाई का अभियान भी छेड़ दें कि अगर वहाँ से कांवड़िए गुजर रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो यमुना की सफाई में या कुछ सेवा में योगदान देते चलें, तो उनका धार्मिक अनुष्ठान और भी ज़्यादा द्विगुणित हो सकता है। अलावा कांवड़ यात्रा के भी हम यमुना की सफाई में योगदान देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। गंगा तो वो गए ही हैं, गंगा जी से तो जल ला ही रहे हैं, गंगा की सफाई में भी अपना थोड़ा थोड़ा योगदान वहाँ से अगर वो देते आते हैं तो वहाँ गंगा की सफाई का अभियान भी कंप्लीट हो सकता है। ऐसे हम सभी धार्मिक कृत्यों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, इस समय क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है तो हमने सनातन धर्म की बात की, किसी भी धर्म के लोग हों, अगर उनके धार्मिक नेता, उनके धर्म गुरु टीवी पर आकर सार्वजनिक पैनल वाली डिस्कशंस में नोक झोंक करने, झगड़ा मुबाहिसा बहस मुबाहिसा करने में लगने से ज़्यादा अगर वो इस बात पर ध्यान दें कि अपने धर्म के अनुयायियों को सामाजिक कार्यों से भी जोड़ें, पेड़ लगाना, नदियों को साफ करना जो जो उनके राज्यों से गुजरती हैं, कूड़ा कचरा उसका प्रबंधन में लगाना, और जो भी समाज और मनुष्य और जीव मात्र के कल्याण के काम हो सकते हैं उनकी तरफ उनको प्रेरित करना, अगर ये करें तो वाकई ये धार्मिक गुरु होने और धार्मिक नेता होने का जो एक पद है उनका, उसका जो निर्वहन है वो सही तरीके से माना जाएगा, वो जस्टिफाइड माना जाएगा, न्यायोचित माना जाएगा तब। और जब तक हम धर्म को सामाजिक कार्यों से, सामाजिक सेवा से नहीं जोड़ते हैं, सामाजिक सेवा आप कोई भी धर्म उठा लीजिए वहाँ सेवा का महत्व बताया गया है, दूसरों की सेवा, बेबसों मजबूरों की सेवा, ये सेवा तो पहले से ही धर्म में इंक्लूड है। अगर हम धार्मिक कृत्यों को सामाजिक सेवा, लोक सेवा से नहीं जोड़ते हैं तो वो फिर कोरी प्रैक्टिस एक बनकर रह जाता है, उसका कोई समाज को लाभ मिल नहीं पाता है। इस तरफ हमें जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ख़ासकर तब जब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा।